Hello friends, we are back again with the new video. In this video we learn how to make a ball bearing in SolidWorks. SolidWorks ko open kar lo. New part, okay. Sketch karo. Sabse pehle ek center line banao. रेक्टेंगल लो कॉर्नर सेंटर रेक्टेंगल डायमेंशन डिफाइन करो 10 4 और यहां से इसका 16 थ्री पॉइंट आर्क लो फर्स्ट सेकेंड थर्ड इसको ट्रिम कर लो डायमेंशन दो इसको रेडियस 3 इसका यहां से डिस्टेंस 2.76 और ये और इसका डिस्टेंस हम रखेंगे 1 इतना करने के बाद स्केच एग्जिट करो एंड देन रिवॉल्व इस एक्सिस के अलोंग अब इसको रिवॉल्व करो ये बन गया मेरा फर्स्ट पार्ट बैरिंग मटेरियल असाइन किया इसको और सेव कर डेस्कटॉप पे मैंने इसको सेव किया B1 अब नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं पार्ट स्केच अगेन एक सेंटर लाइन लो फिर से सेंटर रेक्टेंगल डायमेंशन डिफाइन करो उसको 10 4 और यहां से यहां का डिस्टेंस रखिए 10 अगेन 3.8 ट्रिम डायमेंशन इसको रेडियस 3 का सेम वही करना है 2.76 और यहां से इसको 1 एग्जिट करो एंड देन रिवॉल्व एक सक्सेस के ये बन गया सेकंड पार्ट मटेरियल असाइन किया सेव B2 नेक्स्ट पार्ट स्केच सर्कल इसको ट्रिम कर दो डायमेंशन दो इसको रेडियस 6 रिवॉल्व इस एक्सिस पे मटेरियल असाइन किया सेव B3 तीनों पार्ट से नेक्स्ट पार्ट बनाते हैं मैंने एक सर्कल लिया डायमेंशन डिफाइन कर दो उसको 80 का डायमीटर एग्जिट करो एक्सट्रूड बॉस 1 mm एंड देन ओके एक्सट्रूड करने के बाद इसका मिड प्लेन जो आ रहा है टॉप इस पर स्केच किया सर्कल बनाया 1 2 डायमेंशन दिया मैंने इसको 6.5 और एक इसका यहां सेंटर 16 लाइन लो ऐसे इसको जॉइन कर ट्रिम में जाओ और ये हिस्सा ट्रिम किया अब मैंने 6.5 जो हमने 6 का डाया का ये सर्कल बनाया था इसको सेलेक्ट करके कंस्ट्रक्शन में रखा एग्जिट किया एंड देन रिवॉल्व इस एक्सिस के ये रिवॉल्व हो जाए
टॉप प्लेन पे स्केच किया, प्लीज रिवॉल्व के स्केच को शो कर, सिंपल कन्वर्ट इसको इसको और इसको, ये कन्वर्ट हो गया, ट्रिम में जाओ और इसको ट्रिम करके एग्जिट करो, रिवॉल्व कट इस एक्सिस के लिए, ये हो गया रिवॉल्व। अब इस स्केच को मैंने वापस फिर से हाइड कर दिया। नेक्स्ट स्टेप रहेगा, इसको पैटर्न करेंगे, सर्कुलर पैरामीटर डिफाइन किया, हिस्ट्री को ओपन किया, रिवॉल्व एंड कट रिवॉल्व दोनों को सिलेक्ट करके नंबर ऑफ आइटम 9 रहेंगे, देन ओके। ये सब पैटर्न हो। अब इस वाले फेस पे स्केच किया, सर्कल इसके सेंटर से इन बॉल के सेंटर तक बनाना, ऑफसेट कराओ इसको 1 mm बाय डायरेक्शन, और इसको कंस्ट्रक्शन में रखो, एग्जिट किया, एक्सट्रूडेड कट। अब बाहर वाले इस स्केच को सिलेक्ट करो और इसको मिड प्लेन से एक्सट्रूड किया, देन फ्लिप साइड टू कट। फ्लिप साइड टू कट करने के बाद इसको आप ओके करोगे तो ये ऐसा कट लगा। नेक्स्ट इसके स्केच को फिर से शो करो, फिर से एक्सट्रूड कट। अब अंदर वाले सर्कल को सिलेक्ट करो और मिड प्लेन करके ओके। अब इस स्केच को हाइड करो। अब हम करेंगे मिरर। मिरर में गए, इस फेस के अलोंग ये पूरी बॉडी, बॉडीज टू मिरर, इसको मर्ज हटा देना, ये मिरर हो गया। नेक्स्ट अब क्या करना है, इसके टॉप प्लेन पे स्केच किया और एक स्लॉट ली, स्लॉट डिफाइन की, सेंटर स्लॉट ले, सेंटर पॉइंट स्ट्रेट, डायमेंशन डिफाइन करो 2, रेडियस हमने दिया इसको 0.25, लाइन ली, पहले ट्रिम कर देते हैं इसको, ओके, इसके यहाँ से यहाँ पे लाइन बना के इसको ट्रिम, ये स्केच बन गया। अब हमें क्या करना है, डायमेंशन डिफाइन कर देते हैं कि इसका ये और इससे ये हमें कितना दूर रखना है, इसको 1.25 रखें एंड देन एक्सिट। इतना बनाने के बाद रिवॉल्व इस एक्सिस के लिए, ये रिवॉल्व होता है, इसको मर्ज से हटा देना, नहीं तो ये मिरर वाले पोर्शन को भी मर्ज कर देना। मर्ज से हटाएंगे इसलिए कि ये रिवेट हमें इसलिए लगाई है क्योंकि ये पार्ट अलग है और ये पार्ट अलग है, तो दोनों को डिफाइन करने के लिए लगना भी चाहिए कि ये पार्ट अलग है, तो हम इसको मर्ज से हटाएंगे और मिरर के टाइम भी इन दोनों को मर्ज से हटाएंगे। अब इस रिवॉल्व को हिस्ट्री से सिलेक्ट किया, देन सर्कुलर पैटर्न पैरामीटर्स डिफाइन किया मैंने कि हमें इसके अलोंग करना, एंड देन ओके। इसको मटेरियल असाइन किया एंड देन सेव V4। सारे पार्ट्स बन चुके हैं, अब इनको असेंबल करेंगे। असेंबली में आ जाइए, इंसर्ट, ब्राउज किया। अब हम सबसे पहला पार्ट किसको इंसर्ट करेंगे, B2 को, क्योंकि B2 को हम फिक्स रखेंगे। नेक्स्ट पार्ट B1, हम इनको पहले असेंबल कर लेते हैं। मेट, इसका आउटर फेस, इसका इनर, तो सेंट्रिक किया इनको, देन नीचे एडवांस मेट्स, विड्थ, विड्थ सिलेक्शन रहेगी इसका ये फेस और इसका ये फेस, टैब सिलेक्शन में इसका ये और इसका ये फेस, एंड देन ओके। इनको असेंबल करने के बाद
इंसर्ट कंपोनेंट, हमने B4 को इंसर्ट किया, इसको असेंबल मेट, इसका आउटर स्काई में, ये असेंबल हो गया। एडवांस विड्थ, विड्थ सिलेक्शन में दिया, टैब सिलेक्शन में इसके ये फेस थे। डायमेंशन एरर आ गया थोड़ा सा, इस पार्ट को ओपन करो, एडिट स्केच, हम इसको रखेंगे 20, एग्जिट किया, लेट सेव, यस, ओपन पार्ट 20 नहीं, उसको 18 कर, सेव, एग्जिट, यस, दैट्स। अब क्या करना, अब हमें बॉल को लेके आना, इंसर्ट कंपोनेंट बॉल, बॉल का डायमेंशन चेंज करो, हमने इसको रेडियस 6 दिया था, इसको रेडियस 3, सेव, यस। अब हम इस पार्ट को हाइड करते हैं और इस पार्ट को भी हाइड। अब बॉल को इसके अंदर असेंबल करना है, तो यहाँ पे प्लेन विजिबिलिटी के अंदर यहाँ पे आएगा टेम्परेरी एक्सिस, इसको ऑन करने के बाद हम इसको असेंबल करेंगे। सबसे पहले हमने मेट, इसका एक्सिस और इसके एक्सिस के साथ जोड़, अब इसको इसके बीच में लेके आने के लिए हम क्या करेंगे, इस बॉल के मिडल प्लेन को और हमारा जो B4 कंपोनेंट है इसके मिडल प्लेन को कंट्रोल दबा के सिलेक्ट किया और मेट कर दिया। यहाँ पे मिडल प्लेन नहीं है तो हम एक मिडल प्लेन क्रिएट करेंगे, एक्सिस को बंद कर देता हूँ, रेफरेंस ज्योमेट्री प्लेन, इसके और इसके बीच में हमने एक प्लेन ले लिया। अब हम अपनी बॉल के, जो हमारी बॉल है B3, इसका मिडिल प्लेन और ये जो हमने प्लेन क्रिएट किया इसके साथ कंट्रोल दबा के मेट किया, ओके, ये बॉल इसके अंदर आ गई। सर्कुलर कंपोनेंट पैटर्न, इसको पैरामीटर दिया, इसके अलावा इस एच के अलावा इक्वल स्पेसिंग, नंबर ऑफ आइटम 9, ओके। अब अपने कंपोनेंट को फिर से शो करो, जो वाइट में रहेंगे वो हाइड रहेंगे, 2016 है तो इसमें यहाँ पे एक स्ट्राइक आउट, एक क्रॉस का लाइन बनी आती है, बट दूसरे सॉफ्टवेयर में वो वाइट रहेगा, बाकी येलो रहेंगे, तो आपको क्लियर हो जाएगा। इसको शो करना, लेफ्ट क्लिक देन शो। अब इसको अगर हम चला के देखना चाहते हैं तो हमें एक मेट करना पड़ेगा, दैट इज गियर मेट, मैकेनिकल मेट में आपको मिलेगा गियर। हम इस एज को इसके साथ चलाएंगे, मोटर प्लेस करो, मोशन स्टडीज मोटर, हमने मोटर लगा दी इस फेस पे, एंड देन ओके, एंड देन प्ले। थोड़ा सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम तो नहीं चल रहा है, बट आपके सिस्टम में ये परफेक्टली रन करे। थैंक यू फ्रेंड्स, दिस ट्यूटोरियल इज हाउ टू मेक अ बॉल बैरिंग इन सॉलिड वर्क्स।